हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बसंत पंचमी के लिए खास नारियल के बुरादे के लड्डू बनाएंगे। मुंह में पिघल जाने वाला और नरम और 15 से 20 मिनट में आसानी से इस रेसिपी को घर पर कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले मिक्स्ड सीजन्स में मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप एक कप या कटोरी सेट कर लें और सभी सामग्री को उसी से मेजर करें। तो बसंत पंचमी के ये खास लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 कटोरी सूखे नारियल का बुरादा और उसी कटोरी से माप के मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। और दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और साइड में जो बेल बटन आइकॉन है ना, उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। यदि आप मिल्क पाउडर नहीं लेना चाहते हैं तो आधा कटोरी दूध की मलाई भी यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ में लेंगे 1 कटोरी उबालकर ठंडा किया हुआ दूध। और लड्डुओं का स्वाद बढ़ाने के लिए लेंगे 2 चम्मच देसी घी। सभी सामग्री को मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है। और दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको रेसिपी समझने में काफ़ी आसानी होगी। और जो हमने मिल्क पाउडर निकाल के रखा था ना, उसमें 5 से 6 चम्मच दूध ऐड कर लेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इससे लड्डुओं में गांठें नहीं पड़ती हैं और लड्डू मुलायम और चिकने बनते हैं। लड्डू बनाते समय माप का पूरा ध्यान रखें, जिससे रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी और बिगड़ेगी भी नहीं। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का स्वाद इतना बढ़ जाता है कि बच्चों से लेकर बड़े भी इसे बहुत स्वाद से खाते हैं। और अब एक प्लेट में थोड़ा सा नारियल का बुरादा लें और उसे अलग रखें, जिसे हमें आगे चलकर रेसिपी में यूज़ करना है। सबसे पहले एक पैन में देसी घी डालकर उसे गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें नारियल का बुरादा डालें और उसे मध्यम आँच पर 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भूनें। इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम एकदम लो है, इसे तेज आंच पर कभी ना भूनें। तेज आंच पर नारियल का बुरादा जल सकता है और लड्डुओं को खराब कर सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और नारियल का बुरादा भून के अच्छे से तैयार है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध और इसे भी लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि नारियल दूध को पूरे तरह से सोख नहीं लेता है। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि नारियल पूरी तरह से सूख गया है और इसने दूध को भी अच्छे से सोख कर लिया है। अब इसमें चीनी डालकर चम्मच से लगातार इसे चलाते रहें और इसे तब तक चलाएं जब तक कि चीनी पूरी तरह से मिश्रण में घुल नहीं जाती है। चीनी डालते ही नारियल का बुरादा फिर से गीला और चिपचिपा होने लगेगा। चीनी की चाशनी बन रही है ना, तो जब तक नारियल चाशनी को पूरी तरह से सोख न ले, इसे लगातार मध्यम आंच पर चलाते रहें। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखें और इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहें। लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चीनी मिश्रण में पूरी तरह से घुल चुकी है। इस तरह से यहाँ पर खड्डा कर लें और चेक कर लें, चीनी यहाँ पर मिश्रण में अच्छे से घुल चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर का जो पेस्ट हमने बना के रखा था ना, इस समय यहाँ पर हम इसे डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद में मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें और तब तक पकाएं जब तक कि मिश्रण एक साथ ना आ जाए और आटे जैसी कंसिस्टेंसी ना बन जाए। ध्यान रखें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, इसे तेज आंच पर बिल्कुल ना पकाएं। 3 से 4 मिनट में देखेंगे कि मिश्रण ने कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ लिया है और गाढ़ा भी हो चुका है। बस यही संकेत है कि मिश्रण लड्डू बनाने के लिए पूरा तैयार है। बस इसी समय पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तुरंत ही मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लें। इसे यूं ही कढ़ाई में पड़ा ना रहने दें। इस समय कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है ना, तो मिश्रण जल सकता है, इसलिए इसे तुरंत बाहर निकाल के रख लें। तो चलिए अब लड्डुओं को पीला रंग देने के लिए यहाँ पर मैंने खाने वाला पीला कलर लिया है और उसे 1 चम्मच दूध के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे, हाथों में लेकर लड्डू बना सकें, बस इतना ही मिक्सचर हमारा गर्म होना चाहिए।
अब इस मिश्रण के दो हिस्से कर लेंगे और एक हिस्से में पीला रंग डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सफेद रंग का मिश्रण लें और इसे इस तरह हथेलियों के बीच में डालकर चपटा कर लें। अब पीला वाला मिश्रण इसके बीच में रखें और इसे लड्डू का आकार दें। हल्का सा दबाव देते हुए चारों तरफ से मिश्रण को बंद करें और लड्डुओं का आकार देना शुरू करें। अब इसे अच्छी तरह से सूखे नारियल में कोट करें और एक प्लेट में निकालते जाएं। चलिए एक बार फिर से लड्डू बनाकर देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो बस इसी प्रक्रिया के मुताबिक बाकी सभी मिश्रण के साथ में लड्डू बनाकर रखते जाएं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि मिश्रण पूरा खत्म नहीं हो जाता है। जब भी मीठा खाने का मन हो तो इस तरह की आप एक क्विक रेसिपी घर पर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी लड्डुओं को बना लिया है और अब हम बनाएंगे केसर वाला दूध, जिसे हम लड्डुओं को सजाने में यूज करेंगे। एक कटोरी में एक चम्मच दूध लेंगे और उसमें 8 से 10 केसर के धागे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब उंगलियों की सहायता से इस दूध को हम नारियल के लड्डू के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे। तो चलिए तैयार है हलवाई के स्टाइल के सूखे नारियल के बसंत पंचमी के लड्डू। आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।